आईना आईना कहाँ है? अरे कहाँ है बेटा? आईना 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 क्या हुआ? आईना 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 पता नहीं पता आईना क्या हुआ, चिल्ला रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। आईना दरवाजा खोलो। आईना आईना क्या हुआ बेटी तुझे? आईना मत मारो मुझे। कौन मारेगा तुम्हें बेटी? वो मुझे मार डालेगा। वो यही है। अरे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। नहीं, कोई नहीं मारेगा। वो यही है, वो मुझे मार देगा। कितना खून निकल रहा था उसका, और वो मुझे भी मारना चाहता है। वो मुझे मार देगा, मार डालेगा मुझे। दवाई लेना। बैठो। तबीयत कैसी आईने की? उसको लगता है कल रात उसने सपना देखा था। सपना? हाँ, वो जो कुछ भी हुआ ना, उसको वो एक सपना समझ रही है। मुझे कह रही थी कि एक आत्मा आई थी उसके सपने में उसको मारने के लिए। आत्मा? फोन ऑफ क्यों आ रहा है मोहित का? दादी, एक मैसेज एक कॉल तो कर सकते थे। कितनी चिंता हो रही है मुझे उनकी। बेचारा मीटिंग में फंस गया होगा। मीटिंग खत्म करके तो वो कल ही वापस आने वाले थे। वो ऑफिस में जाके उसके पता करो ना, शायद उनको कुछ खबर हो। आप ठीक कह रही हैं दादी, उनके ऑफिस जाती हूँ। लेकिन सुनो बेटा, इतने बड़े शहर में तुम ऑफिस का पता कैसे करोगी? पता लगा लूंगी दादाजी, किसी की मदद ले लूंगी। एक बात तो तय, ये खून कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा कर रही है। किसकी आत्मा हो सकती है? विकी की? पर अगर विकी एक आत्मा है तो विकी का खून किसने किया? पारू कह रही थी कि शायद विकी का खून भी किसी आत्मा ने ही किया। इसका मतलब ये खून विकी ने नहीं किया, ये खून जरूर उस आदमी की आत्मा ने किया है जिसने विकी को भी मारा होगा। क्योंकि विकी, विशाखा और पारू ये सब दोस्त हैं, और वो इन दोस्तों को ही अपना शिकार बना रहा है। अगर ऐसी बात होती तो उसने आईना को मारने की कोशिश क्यों की? आईना तो इस बिल्डिंग में नहीं आई है, वो तो इन लोगों को अच्छी तरह जानती तक नहीं। लेकिन हर्ष, उसने आईना को मारा तो नहीं ना? पर वो आत्मा आईना के कमरे में आई क्यों? क्योंकि विशाखा ने उससे बात करने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी। हो सकता है इसीलिए। नहीं राका, मुझे लगता है कि ये आत्मा बिना वजह लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। फिक्र की बात तो यह है कि यामिनी भी इस बिल्डिंग में रहती है। अगर कल को उस आत्मा ने यामिनी को मारने की कोशिश की तो विकी, विशाखा और पारो ये तीनों तो मारे गए। यामिनी, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो इन तीनों के करीब था? हो सकता है शायद अगला नंबर उसी का हो। नहीं, मेरी इन लोगों से ज्यादा बातचीत ही नहीं होती थी। पर हाँ, शायद इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ मालूम हो। यामिनी, यामिनी, आईना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो मोहित अभी तक घर नहीं लौटे, और पता नहीं क्यों उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मेरे साथ उनके ऑफिस चल सकती हो उनका पता लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल, चलो। तब तक तुम दोनों सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लो, ठीक है? चलो। रिक्शा। दादा सिटी स्क्वायर।
अरे बस जी कहिए। वो हम यामिनी के दोस्त है। मैं जानता हूं। आप जानते हैं? पता नहीं यार किसकी नजर लगी है बिल्डिंग को, एक के बाद एक मौत हो रही है। आप सही कह रहे हैं और सब बेचारे बच्चे ही मारे जा रहे हैं। ये तीनों दोस्त थे ना, विकी, विशाखा और पारू। बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। क्या इन तीनों के कोई और दोस्त थे जिनके साथ एक घूमते फिरते थे? दो तीन दोस्त और थे, एक तो वो विशाल है और कौन? रोमिल और एक मौली। ये तीन ही थे या कोई और भी था? नहीं बस यही तीन। क्या आप हमें बता सकते कि ये तीन हमें कहाँ मिलेंगे? रोमिल तो अभी शहर से बाहर है। हाँ लेकिन आप लोग विशाल और मौली से मिल सकते हैं। क्या तुम इन दोनों के फ्लैट नंबर हमें दे सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ जानकी, अरे अरे मुझे दवाई लेनी है, पानी चाहिए मुझे। जानकी पता नहीं कहाँ है, कुछ दिखाई भी नहीं देता इस काले चश्मे में। जानकी, अरे तुम, अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे पानी चाहिए, ये दवाई दवाई के लिए। तुम जवाब, जानकी को कुछ किया तो नहीं तुमने? जानकी, 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 क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ये मोहित साहब का केबिन है, आप लोग बैठिए, साहब आते ही होंगे। मोहित का ऑफिस बड़ा अच्छा है नी? अरे वाह, मोहित ने तुम्हारी फोटो लगा रखी। बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? अरे आईना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं दादी को फोन लगाती हूँ, कहीं वो घर तो नहीं चले गए। दादी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, मेरा नाम राज है, आई एम मोहित्स बॉस। हेलो सर, वो मोहित कल ऑफिस की मीटिंग्स खत्म करके वापस आने वाले थे ना? ऑफिशियल ट्रिप? कौन सी ऑफिशियल ट्रिप? दार्जिलिंग गए थे ना ऑफिस के काम से। ओ वो, पर वो ट्रिप तो कैंसिल हो गई थी। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप? या तो फिर मोहित गए कहाँ? वो तो आपको पता होगा, उसने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, कहा था कि आप मुंबई आने वाली हैं, इसलिए उसे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थे घर सेटल करने के लिए। हे भगवान, कहाँ चले गए मोहित? सर मिस्टर राकेश कुमार आए हैं गोल्डन कंपनी की डील फाइनल करने। उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। हाँ।
तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? हाँ, यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही सुनसान जगह है हर्ष। कोई आता जाता नहीं है वहाँ। तो फिर मौली माँ किसे मिलने गई होगी? यार अब तो ये वहाँ पे जाके ही पता चलेगा, उसकी माँ को भी नहीं पता। इसको क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? मुझे लगता है कि मौली विशाल से मिलने गई होगी। हाँ, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हो सकता है कि दोनों साथ में। इससे पहले कि वो दोनों शिकार बन जाए उस आत्मा की, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। चलो। मैं आ रहा हूं, तुम वहीं मेरा इंतजार करो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ओके। ये गाड़ी को क्या हो गया? मोहित का कुछ पता नहीं चल रहा है और घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा। धनी, ये सब मुश्किलें एक साथ क्यों आ जाती हैं? आईना, फिकर मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। अब चलो। उसने किसने? तुमने देखा था ना उस आत्मा को? हाँ, मैंने देखा था, पर ना तो उसने मुझे मारा और ना तो टैक्सी ड्राइवर को। क्या तुम इसकी वजह जानती हो? क्योंकि शायद मैं ही वो लड़की थी जो उसे बचाना चाहती थी। मतलब तुम जानती हो कि वो किसकी आत्मा है? उस रात हम सब दोस्त पार्टी मनाकर लौट रहे थे। ये क्या किया तुमने? मार डाला तुमने उन लोगों को? मार डाला? बचाओ! नहीं, वो भी जिंदा है, वो मरे नहीं अभी तक। चलो ना उन्हें हॉस्पिटल ले चलते। तुम पागल हो गई हो क्या? उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में हम लोग जेल पहुंच जाएंगे। तो क्या उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? तुम पागल हो गई हो क्या? उनकी मदद तो कोई और भी कर देगा विक्की, हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ, रोमिल ठीक कहता है, अगर मदद करेंगे तो फंस जाएंगे।
मत जाओ। लेकिन मैं उन्हें इस तरह छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। मैंने विक्की से बहुत झगड़ा किया और उसे वहां वापस भेजा उनकी मदद करने के लिए। हेलो मॉली, मॉली मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। देखो तुम किसी से कुछ कहना मत, मैं इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ठीक है? ये दोनों तो मर चुके हैं। मुझे यकीन है कि मोहित अपनी मौत का बदला हम सब से ले रहा है। मतलब कि वो मोहित की आत्मा है जो तुम्हारे दोस्तों को मार रही है। हाँ, और अब शायद रोमिल भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन रोमिल तो शहर के बाहर है ना, हमें उसे सचेत कर देना चाहिए। तुम जानते हो कि विक्की ने उन लाशों को कहाँ पर गाड़ा है? हाँ, मैं जानती हूँ। विक्की ने ही मुझे फोन करके बताया था। तो ठीक है, तुम हमें वहां पर लेकर चलो। बॉडी यहीं कहीं होनी चाहिए, ढूंढते हैं। वो उस तरफ वहां पर। औरत की लाश? चलो ढूंढते हैं। एक मिनट, मैं अमनी को फोन करता हूं। हेलो। हाय आश। ये अमनी आयना कहाँ है? वो मेरे साथ ही। क्या हुआ हर्ष, तुम इतने घबराए हुए क्यों? हमें इन मौतों के राज के बारे में कुछ पता चला है। अच्छा, कौन मार रहा है इन सबको? क्या Oh God, हर्ष, वो औरत, ये आईना बेटा आ गई, कोई तुझसे मिलने आया है। मुझसे? मेरा नाम रोमिल है, आपके पति मोहित। तुम जानते हो मोहित कहाँ है? तुम्हें पता है मोहित के बारे में? हाँ, माफ कीजिए, मोहित की मौत हो चुकी है। वाह, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी गाड़ी से मोहित का एक्सीडेंट हुआ है और वो वहीं मौके पर ही मर गए। तुम झूठ बोल रहे हो। दादी, ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं आईना, ये सच कह रहा है। मोहित मर चुका है और तुम भी। वो ये ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो यहाँ कोई भी नहीं है। कोई जरूर, मेरे पास बताओ, दूर आओ मुझसे, मुझे तुम चाहिए। कहीं आस पास सामने आओ, तुम जो भी हो सामने आओ, सामने आओ। मोहित मुझे माफ कर दो। मोहित मोहित वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। मोहित नहीं, मोहित मैं तो कार भी नहीं चला रहा था। मोहित मुझे छोड़ दो। मोहित मुझे मत मारो। मर चुके हो, लेकिन कब और कैसे? उस दिन जब तुम दोनों मुंबई आए थे। हम दोनों? मैं तो आपके साथ आई थी दादी। नहीं बेटा, तुम हमें सिर्फ एयरपोर्ट लेने के लिए आई थी। मुंबई तो तुम 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी, 15 तारीख को। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब मैं 15 तारीख को आई और आप लोग 17 को? हाँ बेटा, 15 को मोहित तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आया था। घर जाते वक्त रास्ते में तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई थी, तो तुम दोनों पैदल ही निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते में आते हुए तभी एक कार ने अचानक तुम दोनों को कुचल दिया। क्या मजाक कर रहे हैं आप सब? मैं जिंदा हूँ, जिंदा आप सबके सामने खड़ी हूँ। नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। दरअसल तेरी आत्मा मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ स्वीकार नहीं कर पाई। तेरे मन में यही चिंता रही कि हम दोनों का क्या होगा, और यही कारण है बेटी के मोहित को छोड़कर तेरी आत्मा यहाँ के जाए। मोहित की आत्मा ये सच्चाई बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। और जब मोहित तुम्हें कुछ कह नहीं पाया तो उसकी आत्मा हमारे पास आई। जब हमें पता चला कि ये तो हमारा ही बेटा मोहित है और उसने हमें एक्सीडेंट के पूरी सच्चाई बताई, और वो सच्चाई यही है बेटा, तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो बेटा। Oh!
तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। चली जा बेटा, चली जा।